मॉर्निंग मेरे फ्रेंड, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, होप करते आप लोग बढ़िया है, बढ़िया रहना। स्वागत है सभी लोगों का आज मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का दिन आपका मुहर्रम है और मुहर्रम हम लोग आज इस बार गांव में मना रहे हैं, जैसे मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से। तो ताज़िया बन के तैयार हो गई है, ताज़िया को मतलब स्टेट किया जा रहा है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में बना था ना ताज़िया, तो उसको एक एक पार्ट में मतलब ज्वाइंट किया जा रहा है, ऊपर ऊपर बाहर किया जा रहा है। तो अभी यहीं पर हो रहा है और मैं अभी नहा धो के तैयार हो गया, अभी नाश्ता करूँगा, उसके बाद चलेंगे आज हम लोग ताज़िया लेकर। एक यही बाज़ार है बतरौली बाज़ार, तो वहाँ हम लोग चल के मतलब लाठी भी होती है, झारी होती है, लाठी होती है, फिर तलवार मिलाया जाता है, फिर मतलब बकाई कई मतलब कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, तो वो चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा आज। और सच ही कहा गया है मतलब इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो जो जो सक्रीफाइस हम लोग के मतलब नबी लोग करके गए हैं तो उन लोग हम लोग को याद करना चाहिए। बताइए हुसैन का घराना के छोटे छोटे बच्चों ने मतलब अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी इस्लाम को मतलब ज़िंदा रखने के लिए, तो हम लोग को भी मतलब उन लोगों को योगदान देना चाहिए, हम लोगों के अंदर भी मतलब इस्लाम मतलब ज़िंदा रखना चाहिए। और किसी के प्रति मतलब हम लोग को मतलब ये इस्लाम ये नहीं सिखाता है किसी के प्रति मतलब कोई मतलब दूसरा कास्ट का मतलब रिलीजन का आदमी है तो उसके प्रति मतलब आप द्वेष रखें, दुख रखें, मतलब अंदर कुछ मलाल रखें अपने दिल के अंदर, ऐसा कुछ मत रखिए। क्योंकि मैंने भी हमारे कई भी दोस्त हैं, बहुत सारे यार दोस्त हैं हमारे, तो मैं भी हिंदू का त्यौहार मनाता हूँ, होली दिवाली मैं सब कुछ मनाता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई भाई है, तो इस्लाम यही सिखाता है कि अपनों का भी साथ देना चाहिए। और प्यारे नबी है जो हमारे, उन्होंने बताया तो उन्हों का रोज़ा चल रहा था, मैं स्टोरी बता रहा हूँ लोगों का, उनका एक रोज़ा चल रहा था, तो एक गैर मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम औरत मतलब पकौड़ी बना के लाई और हमारे प्यारे नबी का मतलब रोज़ा चल रहा था, तो गैर औरत पकौड़ी बना के लेके गए उनके पास और उसने चखा कि मतलब कहा कि प्यारे नबी से कि आप थोड़ा चख लीजिए, अगर आप चख लेंगे तो उसमें मतलब दुआएं मतलब बरकत आ जाएगी उस खाने के अंदर और वो मैं अपने बच्चों को खिला दूँगी। तो उन्होंने मतलब ये नहीं मेरा रोज़ा चल रहा है तो मैं नहीं खाऊँगा, उन्होंने उठाया एक पकौड़ी और एक टुकमा खा भी लिया, तो बाद में औरत खुश होकर चली गई। तो फिर एक उनके जो खादिम थे उन्होंने ये सवाल किया कि लगता है कि मतलब प्यारे नबी भूल गए हैं कि उनका रोज़ा चल रहा था तो उनको मैं याद दिला दूँ, तो उन्होंने कहा कि प्यारे नबी आपका रोज़ा चल रहा था, आपने पकौड़ी खा लिया। उन्होंने कहा नहीं मुझे मालूम था कि मेरा रोज़ा चल, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, वो इतने प्यार से मेरे लिए मतलब पकौड़ी बना के लाई थी इसलिए मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो बस इस्लाम यही सिखाता है कि किसी का दिल मत तोड़ो, सबको एक है और प्यार मोहब्बत से हमेशा रहना चाहिए। तो नाश्ता करते हैं हम लोग और चलते हैं हम लोग ताज़ी आप लोगों को दिखाते हैं, और इस बार पूरा मतलब गांव का मतलब कैसे क्या होता है मनाया जाता है मुहर्रम वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये उठ गया अब लेके चल जा रहा है। और लो ताज़िया हम निकल रही हम बाजार में जाने के लिए। Thank you.
बस आ चुके हैं लोग, ये हम लोग का बाजार है। तो यहीं पे सब जितनी ताजियां हैं गांव की, सभी गांव की यहीं पे इकट्ठा होगी। तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं। अब पहली बार ये वाला एक्सपीरियंस करेंगे हम गांव का, और जो मैं वीडियो क्लिप डालूंगा जब हम लोग एक साथ आते हैं, मतलब दूसरे गाँव के और अपने गाँव के जब लाठी लड़ते हैं, तो वाला क्लिप आप लोग देखिएगा, उसका अलग मतलब मजा है। मतलब हम 5-6 लोग अकेले अब ढकेल दिए थे। I'm going to go to the hospital.
ظالم پانی آپے پہارا لگائی دیا ظالم پانی آپے پہارا لگائی دیا یار ظالم بے ایمان ایسن کھیلا لا تو پاسا ہو ظالم بے ایمان ایسن کھیلا لا تو پاسا ہو امام حسین کے خون کے تو ہوئی گئی لا پیاسا ہو امام حسین کے تلوار اپن اونا پہ اٹھائی لی حلا ظالم پانی اپے پہارا لگائی دی حلا ظالم پانی اپے پہارا لگائی دی حلا ظالم پانی اپے پہارا لگائی دی حلا ظالم پانی